नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। मैं आ गई हूँ फिर एक वीडियो लेकर। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि व्हाट्स द टी ऑन यू, व्हाट्स द गॉस ऑन यू, लाइक वो गॉस एज इन गॉसिप, व्हाट्स द गॉसिप अबाउट यू। तो चलिए, दो पार्ट में रीडिंग को हमने डिवाइड किया है और दो अलग अलग डेक्स हम यूज़ करने वाले हैं इसके लिए। सो आप सोचिएगा, डिवाइन पावर को याद कीजिए एंड सोचिए कि क्या एक्चुअली गॉसिप हो सकती है आपके बारे में, या क्या मैसेजेस आप तक पहुंचने ज़रूरी हैं। लाइक थोड़ा इस बारे में सोचिएगा। मैं आपको कार्ड्स दिखाना प्रेफर करूँगी, भी कार्ड्स दिखा देती हूँ मैं आपको। ओके, सो दीज आर होलोग्राफिक कार्ड्स एंड वन कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर वन, वन कार्ड फ्रॉम पाइल नंबर टू। सो दिस इज पाइल नंबर वन, दिस इज पाइल नंबर टू। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स, उनकी लॉयल्टी के लिए शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं साइकिक हूँ, मुझे पता चल जाता है कि आप देख कर जा रहे हो सिर्फ, तो आप ही का फ़ायदा है इसमें। आपको अपने मनपसंद टॉपिक मिस आउट ना कर जाए, कोई मैसेज, अवेयरनेस, गाइडेंस आप तक पहुँचनी हो उसे मिस आउट ना कर जाए। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट। सो चलिए, एंड वील बी मोस्ट हैप्पी टू वेलकम यू टू द डिवाइन फैमिली। सो चलिए फ्रेंड्स, दिस इज पाइल नंबर वन, दिस इज पाइल नंबर टू। क्लोज योर आईज, टेक थ्री डीप ब्रेथ्स, मेडिटेट ऑन द कार्ड्स। ओके, ये आपके सिग्निफिकेटर कार्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको बताया जाएगा व्हेन द रीडिंग स्टार्ट्स। ओके, सो जस्ट डिवाइन पावर को आप मानते हैं, वी वेलकम ऑल रिलीजन्स, वी वेलकम एवरी वन ऑन दिस चैनल एंड वी रिस्पेक्ट एवरी वन। सो चलिए, सेलेक्ट कीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल काम माइंड के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ। जो भी स्ट्रेस टेंशन माइंड में है वो रिलीज हो रही है एंड जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ। या अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके, टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दी जाएंगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर वन। जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, आई एम गेटिंग अ मैसेज कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, यू लव फेरी टेल्स, आप हो सकता है आपको यशराज चोपड़ा वाली जो फिल्में होती थी वो आपको बहुत पसंद है, आप ट्रू लव में बिलीव करते हो। और आई एम ऑल्सो पिकिंग अप ऑन समवन हु बिलीव्स इन फाइटिंग फॉर व्हाट दे वांट एंड रेस्ट ऑफ यू, इट्स लाइक आई एम गेटिंग मोर लाइक आपके अंदर वो जुनून जिद है कि इफ़ यू वॉन्ट समथिंग यू आर लाइकली टू गेट इट। ओके, सो वो चाहे आप मैनिफेस्ट करो, चाहे आप गो गेटर इंसान हो, खुद जाके उस चीज़ को अचीव करो या मैनिफेस्ट करो, ईदर वे यू लाइकली टू गेट व्हाट यू वांट, आपको मिल ही जाता है। ओके, नहीं मिल रहा तो व्हाट इज मेंट फॉर यू विल फाइंड यू। ओके, आपकी ये फिलॉसफी भी हो सकती है। आपको अपने हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा को हील करने को कहा जा रहा है एंड आपको कहा जा रहा है कि नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। एंजल्स आपको सिंक्रोनिसिटी के साइंस अगर दिखा रहे हैं तो उनको जो है आस्क देम टू हेल्प यू, वी अलाउ यू टू हेल्प यू टू यू नो, वी अलाउ यू टू हेल्प अस, यू हैव टू टेल देम दैट यू आर अलाउइंग देम टू हेल्प यू। सो तो ये आपने उनको बोला है, थैंक यू ज़रूर तीन बार बोला कीजिए फ्रेंड, जब भी आप प्रेयर्स करें गॉड को, खास करके एंजल्स को, आर्कएंजल माइकल को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है द मून। ओके, सो डेफिनेटली कोई फेमिनिन फिगर है। कुछ लोगों के लिए ये एक मदर फिगर भी हो सकती हैं, या एल्डर सिस्टर हैं, कोई सिबलिंग है जो ओल्डर हैं, या ये जस्ट कोई फेमिनिन एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं। और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ऑब्वियसली हर एक के लिए नहीं होगा ये कि मदर फिगर या सिस्टर फिगर, बट किसी के लिए को उनकी फ्रेंड हो सकती है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप उन किसी की चाची है या बुआ है या मासी है, समथिंग लाइक दैट आई एम पिकिंग अप, अगर आपको रेजोनेट हो रही है ये चीज़। नहीं तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई फेमिनिन है जो आपके आपके कोलीग भी मुझे ऐसा दिख रहे हैं, कोलीग है कुछ लोगों के लिए आपकी ये जो है क्लाइंट हो सकती हैं। सो या फैन है, सो इनमें से जो आपके साथ रेजोनेट करता है, क्योंकि सब लोग देखते हैं रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन, तो सबकी एनर्जी पिक होती है, राइट फ्रेंड्स। सो आप इनमें से कोई एक पर्सन है, फेमिनिन है, दैट लाइक दे बैक बाइट अबाउट यू। ठीक है, ये आपके बारे में बैक बाइटिंग करती हैं। और ये जो है, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो आपके लुक्स हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है, रिन्यूड कॉन्फिडेंस एंड कुछ ग्लो अप आपका हुआ है, यहाँ पहले से अच्छे दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, पीसफुल हो, कोई सोल्ट
बताया, आपने ब्रेक करिए, किसी को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, या कर चुके हो, करने वाले हो, ठीक है, कर रहे हो, तो इस पर्सन, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं इनको बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज़, ठीक है. ओके, पावरफुल इंट्यूटिव एपिफनी इज लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन. आपको इस पर्सन का सच पता चल चुका है. ओके, आप अब जो है लॉजिकली डिसीजंस लेना शुरू कर दिया है आपने. आप अब पहले की तरह हमेशा वरी और फियर में नहीं रहते हो, डरते नहीं हो, हमेशा की तरह पहले की तरह घबराते हो, डरते नहीं हो. पर ये जो फीमेल है, ये चाहती है कि आप चिंता में रहो, या आप डरते रहो, घबराते रहो. ये ऐसी एनर्जी में आपको देखना चाहती हैं. ओके, सो स्कॉर्पियो या क्या, स्कॉर्पियो पाइसिस उस पर्सन की फेमिनिन की एनर्जी हो सकती है. आई एम ऑल्सो पिकिंग अप ऑन दिस फीमेल इज अ फेमिनिन, दिस फेमिनिन इज एन एनर्जी वैम्पायर. ओके, आई एम ऑल्सो पिकिंग अप ऑन डिसेप्टिव. ओके, आई एम ऑल्सो पिकिंग अप ऑन कि आप खुद इनके पास चल के जाते हो और शी फूल्स यू और शी इज़ वेरी डिसेप्टिव, समथिंग लाइक दैट आई एम पिकिंग अप. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग द मैसेज ऑफ दिस पर्सन डूइंग रिचुअल्स और स्पेल्स ऑन यू. कैंसर स्कॉर्पियो, सॉरी स्कॉर्पियो पाइसिस जो इनकी राशि है. और आई एम ऑल्सो पिकिंग अप इन दिस पर्सन, इनकी आवाज़ बहुत लाइक वेरी वेरी बहुत स्वीट वॉइस होगी, या बहुत स्वीट दिखाते होंगे खुद को. बट कहीं ना कहीं आपको अब इंट्यूशन हो रही है, आपको रियलाइज हो रहा है कि ये पर्सन जेन्युइन नहीं है. हो सकता है इन्होंने आपको किसी के अगेंस्ट ब्रेन वॉश भी किया हो, मैनिपुलेट किया हो. कोई ऐसे पर्सन जिसको आप जानते हो कि वो ऐसे नहीं है, उनके खिलाफ आपको कुछ नेगेटिव बोला हो सकता है. इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है, किसी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप कनेक्शन या कुछ भी ऐसा, कुछ ऐसा किसी ऐसे सिचुएशन पर्सन के बारे में कुछ गलत एडवाइस भी आपको देने की कोशिश करी है इस पर्सन ने. फ्रेंड्स, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, जो अगर आपको लग रहा रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप दूसरी पायल देख सकते हो, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हो आप. ओके, सो चलिए अब हम देखेंगे समथिंग अबाउट व्हाट इज अ गॉस ऑन यू. ओके, व्हाट इज अ गॉसिप अबाउट माय पाइल नंबर वन स्पिरिट, व्हाट इज अ गॉसिप अबाउट माय पाइल नंबर वन. लोग क्या गॉसिप कर रहे पाइल नंबर वन के बारे में स्पिरिट, लोग क्या गॉसिप कर रहे पाइल नंबर वन के बारे में स्पिरिट. ओके, इस पर्सन को ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप कितने पॉजिटिव. कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद ओवरकम कैसे कर जाते हो. ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी ट्रिगरिंग मैसेज, बहुत ट्रिगरिंग मैसेज आया है. समबडी ट्राइड टू, इनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि आप, हाउ आर यू अलाइव, आप बच कैसे गए, अब मुझे बोला भी नहीं जा रहा, अब जिंदा कैसे बच गए. प्रॉब्ली दिस पर्सन ट्राई टू डू सम डेथ स्पेल ऑन यू, सम पैरानॉर्मल एक्टिविटी दे डिड विद यू, कुछ तो उन्होंने ऐसा किया आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी लाइफ को. माय गॉड, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ गिने चुने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये. माय गॉड, हु आर यू डीलिंग विद फ्रेंड्स, कौन है ये पर्सन. ओ गॉड, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्लियरिंग द एनर्जी, क्लेंजिंग द एनर्जी. सेज कार्ड, सेज कार्ड, सेज कार्ड. ओके, क्या गॉसिप होती है मेरे पाइल वन के बारे में, लोग क्या गॉसिप करते हैं. चलिए गाइस, दिस इज ऑल द कार्ड्स वी आर गोइंग टू टेक. ओके, आई हैव शफल द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो ओके, सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स. इफ दिस पाइल मेक्स यू फील लाइक यू आर नॉट रेजोनेटिंग, देन यू कैन गो टू पाइल नंबर टू, यू कैन वॉच द होल रीडिंग, और यू कैन वेट फॉर अनदर वीडियो. ओके, सो वी हैव द प्रिंस ऑफ विंटर एंड देन वी हैव द सिक्स ऑफ समर. ओके, सो प्रिंस ऑफ विंटर एंड सिक्स ऑफ समर से एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो आपके बारे में ये गॉसिप होती है कि आप बहुत अपनी एज से यूथफुल दिखते हो, एंड यू लुक यंगर देन योर एज. एंड आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि थोड़े इम्पल्सिव हो या इम्पेशेंट हो जाते हो कभी कभी, आप थोड़ा ब्लंटली बात करने लगे हो या कुछ ब्लंटली बोल रहे हो, आपको ना लाइक गलत बात बर्दाश्त नहीं है. तो कुछ जब व्हेनेवर यू फील कि समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग विच इज़ रॉन्ग, अनफेयर, सो यू टेक अ स्टैंड फॉर दैट. एंड यू लाइक, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप गो गेटर हो, कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है, एक बार ठान हो गए ना, या तो आप ठानोगे नहीं तो यू विल बी लाइक केयरलेस, केयर फ्री. बट एक बार आप डिसाइड कर लेते हो डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन के साथ कि यू हैव टू गो फॉर दिस गोल, आपको कोई रोक नहीं सकता. यू लाइक लिटरली सम पीपल से कि कोई किसी भी ऑब्स्टेकल्स उसके रास्ते में डाल दो, ये दिस पर्सन इज गोइंग टू अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव. इनके अंदर थोड़ी इम्पल्सिवनेस, इम्पेशेंस इतनी है
Okay, and seek out an intellectual solution to your problem. The need to act quickly and decisively. Sudden or unexpected changes. आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम का कोई इमोशनल नहीं इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन निकालते हो, मतलब कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हो हर प्रॉब्लम का जो सॉल्वेबल होता है, जो डूएबल होता है. ओके, एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप कुछ चीज़ों में ना आप बहुत क्विकली एक्शन लेते हो, आपके डिसीजन बड़े क्विक होते हैं. ठीक है, यू आर प्रॉबेबली हो सकता है कि आप बहुत वेल थॉट डिसीजन नहीं लेते, वेल कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं लेते, या ज़्यादा देर नहीं करते डिसीजन लेने में, और डिसीजन लेते हो तो जल्दी डिसीजन लेते हो, वरना कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लेट करते हो डिसीजन, लेकिन अच्छा लेते हो डिसीजन, सही लेते हो डिसीजन. ओके, सो दो अलग अलग एनर्जीज आ रही है. एंड देन वी हैव द सिक्स ऑफ समर. चिल्ड्रन और चाइल्ड हुड, द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेंबरिंग इवेंट्स डिफरेंटली इन अ बेटर और वर्स लाइट देन हाउ दे आर रियली अकर्ड. How they really occurred, okay? So for some of you, ये person आपके past, कोई past से हो सकते हैं जो आपके बारे में gossip करते हैं या बात का, I'm getting more of a positive energy. आपके दो तीन friends हैं पुराने, कोई ex lover भी हो सकते हैं, तो mix energy आ रही है. okay? कुछ लोग gossip करते हैं, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ some people are like, इसको तो हम नज़र ही नहीं आते, जब से इसका glow up हुआ है या इसने कुछ rude है हमारे साथ या कुछ rudely बात करता है करती है, this person has cut us off, they are very angry at you, जिसको आपने कट ऑफ किया है. ओके, एंड दे आर मिसिंग यू एज वेल. ओके, दे मिस दोज कॉन्वर्सेशंस. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू, इफ दिस इज एन एक्स लवर, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू, कैच अप विद यू एंड रेमिनिस द ओल्ड मेमोरीज. और ये रिकॉल, आई एम गेटिंग, ये ओल्ड मेमोरीज रिक्रिएट करना चाहते हैं, पहले से भी बेहतर यादें आपके साथ बनाना चाहते हैं. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इस पर्सन को शायद कुछ लोग भड़काते हैं आपके खिलाफ, आपके म्यूचुअल्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स. ठीक है, और ये जो पर्सन है ये कहते हैं आपकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, आपके अंदर एक बहुत मासूमियत है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, एक बचपना सा है आपके अंदर, एक बच्चों जैसा एंथुजियाज्म है आपके अंदर, और एक बहुत ही प्योर सोल हो आप. ये हो सकता है बच्चों के साथ बहुत बनती है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. यू लाइक किड्स, यू लव किड्स, एंड किड्स लव यू बैक इक्वली. ओके, सो आई एम गेटिंग यू हैव वेरी यू नो, like some people see you, I'm hearing some people see you in a good light, some people see you in a worse light, like really worse. और जो लोग आपको worse light में देख रहे हैं ना, वही लोग हैं जो खुद उन्होंने गलत किया है आपके साथ, और अब उनसे tolerate नहीं हो रहा कि आपने rise back कैसे कर लिया, आपने rise कैसे कर लिया, आपने overcome कैसे कर लिया. बहुत समझदार हो गए, smart हो गया पहले से ज़्यादा. okay, like you were easy, don't mind, but you were easier to fool earlier. आपको पहले आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था कोई भी, but अब नहीं बना सकता. this is what these people are talking about you. ओके, देन वी हैव बाउ, वी हैव द क्वीन ऑफ ऑटम. ओके, एंड लुक एट दिस फेमिनिन, एंड सम ऑफ योर फेमिनिन्स माइट बी ड्रेसिंग अप एज ब्यूटिफुली एज दिस फेमिनिन. ये क्वीन जैसे ड्रेस्ड अप है, आपका ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करते हैं लोग कि आप बहुत वेल्दी लगते हो या काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगते हो, क्लासी लगते हो, एलिगेंट लगते हो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यू लुक लाइक बेटर देन वेयर यू कम फ्रॉम, यू नो, लाइक आपके ओरिजिन से ज़्यादा वहाँ पे जैसे लोग शायद जैसे दिखते, उससे ज़्यादा अच्छे आप दिखते हो. लाइक ये ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, सो नो ऑफेंस टू एनीवन. लाइक मैं तो वैसे भी लोगों को जज नहीं करती. आई बिलीव लोग इंसान के कर्मों से जाने जाते हैं, ना कि किसी बैकग्राउंड से. ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन. बट ये पर्सन बहुत जजमेंटल है, ये मनी माइंडेड पर्सन है, जो आपके लुक्स, आपके कपड़े, आपका मेकअप या आपकी ज्वेलरी या आपके जो पोजेशंस है, मटेरियल पोजेशंस है, उनसे आपको जज करते हैं पर्सन. आई एम गेटिंग ये वो पर्सन है जो कभी अगर आप दे माइट हैव मिसजज्ड यू, या आपको टॉन्ट या कॉमेंट किया हो सकता है इस पर्सन ने कि आप ये आपने क्या पहन रखा है, ये क्या स्टाइल है, ये क्या समथिंग लाइक दैट पास्ट में. एंड अब आपने कुछ सुधार किया है, यू लुकिंग बेटर देन बिफोर, आप पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, जबकि कुछ सिंपल लुक है आपको, कुछ तो डिफरेंट किया है आपने. एंड या इस पर्सन की नज़र में लग रहा है कि आपने पहले से बेटर लग रहे हो. एंड दिस पर्सन इज लाइक वाओ, आई मीन लाइक वाओ, आई मीन दिस पर्सन इज रियली सेड लाइक दिस. इसी तरह उस पर्सन ने बोला वाओ.
लुक एट दिस पर्सन ओके एंड ये पर्सन कहते हैं कि पहले आप एक इमोशनल फूल थे बट ना अब आपने प्रैक्टिकली डिसीजन लेना शुरू किया है. आपको कोई पहले डिसरिस्पेक्ट करता था, आप काउंटर अटैक कहते हैं कि आप रिएक्ट नहीं कर पाते थे, आप कुछ जवाब नहीं दे पाते थे, यू वर लाइक शॉर्ट ऑफ वर्ड, चुपचाप सुनते रहते थे, ठीक है. बट नाउ पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, यू कमांड रिस्पेक्ट ओके, यू कमांड रिस्पेक्ट. लो सो गाइज आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि यू कमांड रिस्पेक्ट, लाइक पीपल हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू मोर देन अर्लियर एंड आपको लाइक लिटरली समबडी सेइंग इसको अपनी रिस्पेक्ट करवाना आता है. लाइक हो सकता है कि पहले लोग आपको फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लेते थे, नाउ दे स्टॉप डूइंग दैट ओके. वी हैव द हाई प्रीस्टेस ओके, सो सम ऑफ देम फील कि दे आर नॉट एबल टू गेट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, यू बींग सीक्रेटिव, यू बींग मिस्टीरियस ओके. लाइक आप उतने ही इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज कर रहे हो, रिवील कर रहे हो उतनी इन्फॉर्मेशन जितनी आप चाहते हो कि दूसरों को पता चले ओके. सम पीपल फाइंड दे आर नॉट एबल टू गॉसिप अबाउट यू मच, लाइक पहले हो सकता है आई एम ऑल्सो पिकिंग अप किसी की प्रोफाइल पब्लिक थी, पहले आपने प्राइवेट करी है, या कोई ऐसा पर्सन जो गॉसिप मॉन्गर था उसको आपने कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, उसको आप लाइक यू आर क्लियरिंग कार्मिक्स, आपकी कार्मिक क्लियरिंग हो रही है. जो भी लोग आपके लिए टॉक्सिक थे या कुछ अच्छे नहीं थे, डिस्ट्रस्टफुल थे, उनको कट ऑफ आप भी कर रहे हो, यूनिवर्स आपकी लाइफ से कर रहा है क्लियर ओके. एंड ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन ओके. सो कुछ लोग हैं ये कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप जो डिसीजंस हैं ना सोच समझ के डिसीजंस लेते हो, केयरफुली प्रोज एंड कॉन्स वे करके डिसीजंस लेते हो, और आप एक हो सकता है इंट्रोस्पेक्शन भी करते हो, यू आर अ डीप थिंकर और यू आर एन ओवर थिंकर, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है आपके बारे में. एंड कि आपकी जो हो सकता है आप जो चीज़ें बोल देते हो, सेंटेंसेस कंप्लीट करते हो लोगों के, यू आर लाइक आप जो बोलते हो वो हो जाता है, ये जो सोर्स वो हो जाता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. और ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आप ना लाइक यू नो आपकी फोरसाइट इनसाइट्स इतने अच्छे हैं ना, किसी भी सिचुएशन को लेकर डीप इनसाइट्स होते हैं, एनालिटिकल क्वालिटीज आपकी बहुत अच्छी हैं. एंड आई एम गेटिंग कि आप मेडिटेशन स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, ठीक है, रिलीजियस हो स्पिरिचुअल हो, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. सो दिस पर्सन इज़ लाइक प्रॉब्ली आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप कि इफ़ यू आर अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूबर, हीलर, दिस पर्सन वॉचेज यू एंड देर लाइक दे लव व्हाट यू डूइंग ओके ऑनलाइन. दो सम ऑफ देम डू जज यू एंड दे फील कि दे आर नॉट एबल, दे फील लाइक डिसअपॉइंटेड, नॉट गेटिंग इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, नॉट एबल टू टॉक बैड अबाउट यू, ऑल्सो दे नॉट गेटिंग एनी स्टफ टू टॉक बैड अबाउट यू, उनको कुछ मिल नहीं रहा आपके बारे में गलत बोलने के लिए, कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आ रहा है ओके. वी हैव द नाइन ऑफ विंटर ओके, सो अनफाउंडेड फियर, ट्रस्टिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोस, सॉरी फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोस, अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द प्रॉब्लम ओके. सो सम पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आई एम गेटिंग मोर ऑफ दिस इज अ पास्ट एनर्जी और अ टेम्पररी एनर्जी, कि आप कहीं ना कहीं कुछ एनजाइटी आपके माइंड में आ जाती है, कुछ एनजाइटी जो आपकी होती है वो इतनी हैवी होती है, हो सकता है आप कॉल करते हो किसी फ्रेंड को वेन यू आर एंशियस, या देर आर सम कॉल यू गाइज मेक वेन यू आर एंशियस, चाहे एस्ट्रोलॉजर को कॉल कर रहे हो या आप किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हो ओके. आई एम गेटिंग अ विजन कि किसी ने यहाँ पे अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करके रो रहा है या रो रही है, कोई वीडियो कॉल करके अपने फ्रेंड के सामने या अपने फ्रेंड के सामने, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो विजन आई जस्ट गॉट, मुझे भी विजन आया ऐसा, ठीक है. सो इन लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती कई बार आपकी लाइफ में, जितना आप उसका हवा बना देते हो, लाइक यू क्रिएट, ठीक है. सो लाइक ओवर थिंकिंग करते हो कई बार ओके. आई एम ऑल्सो पिकिंग अप फॉर सम ऑफ यू सॉरी दैट दिस इज समबडी हु कुड हैव ह्यूमिलिएटेड यू इन द पास्ट ओके. या ये पर्सन को लगता था कि आप कभी राइज नहीं कर पाओगे, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा आपकी लाइफ में, दिस पर्सन कुड हैव कॉल्ड यू नेम्स ऑल्सो, कुछ आपको नीचे दिखाने की कोशिश करी हो सकती है. एंड यू आउट ग्रू दिस पर्सन, यू आउट ग्रू द एक्सपेक्टेशन दिस पर्सन हैड, एक्सपेक्टेशन एज इन दे जस्ट नेवर वॉन्टेड, नेवर थॉट दैट यू विल अचीव समथिंग इन लाइफ, बट यू डिड
ओके सो अबाउट देन वी हैव द नाइन ऑफ ऑटम. सी व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू कि ये कार्ड आपके सामने मैंने शफल करके निकाले हैं. मुझे अभी मैंने कहा ना कि दिस पर्सन इज समबडी हु हैज प्रोबब्ली ट्राइड टू ह्यूमिलिएट यू एंड this person never thought you will achieve something, okay? This person probably even disrespected your mettle, your caliber, your potential, okay? This person could have definitely like insulted or humiliated in front of 2-3 people or something, like in front of somebody. I'm getting this person could have, oh my god, I'm literally hearing failure or something. kisne kisi ko kaha hai, is person ne aapko se feel karaya ho sakta hai, kaha ho sakta hai, but my god, nine of autumn, nine of pentacles ka card hota hai ye. आपने हमेशा खुद पे विश्वास रखा, चाहे उनको जवाब नहीं दिया जो भी था, बट आपने खुद पे विश्वास रखा, आपने मेहनत करी है, स्ट्रगल किया है और कुछ ना कुछ ऐसे आपको अपने कर्मों का फल मिला है और मिलेगा. ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस की एनर्जी में आ चुके हो, आ रहे हो, आप आने वाले हो. टेक व्हाट रेजोनेट्स. ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली अब आपको डिफरेंट एनर्जी में देखते हैं. इस पर्सन को अभी भी लगता है कि यू नो इस पर्सन को लगता है कि कैसे क्या किया आपने ऐसा कि आपके लाइफ इतनी अच्छी चल रही है. उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है या कुछ एक सब्सटैंशियल अचीवमेंट आपने करी है. ओके, बट ये पर्सन को अपनी गलती कभी नहीं दिखती है, एक बात मैं बता दूं. सो रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बींग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन. ओके, तो हो सकता है पहले इस ये पर्सन ऐसे बोलते थे कि बहुत अकेला अकेला महसूस करते हो, खुशियाँ बाहर ढूंढते हो, किसी को ढूंढ रहे हो मॉरल सपोर्ट के लिए, किसी को आप मतलब चेज करते थे या अप्रोच करते थे बाहर के लोगों को, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, कि कुछ आपकी बात सुन ले, कोई आपको यू नो कुछ तनहा महसूस करते थे. बट अब जो है ना, आपने सॉलिट्यूड की एनर्जी में आ गए हो, आप लोनलीनेस को आपने सॉलिट्यूड में चेंज किया, आपने अपनी कंपनी में खुश रहना सीख लिया है. रिमेंबर जो उनकी जो गॉसिप है, सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लोगों का परसेप्शन है आपके बारे में. ओके, सो ये आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं. सो ये आपने जब स्टार्ट किया तो लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया होगा या ऑपोजिशन आपने फेस किया होगा, लोगों ने नहीं सोचा होगा कि आप कर पाओगे, बट यू हैव अचीव्ड अ गुड फीट इन योर करियर इन योर लाइफ एंड ये बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है जो आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का या कर रहे हो. ओके, सो अभी जैसा भी चल रहा है दिस गुड बी सक्सेसफुल. खास करके अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, ऑब्वियसली वो प्रे यू हैव टू वे द प्रोज एंड कॉन्स. पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे आप, हम क्योंकि पर्सनलाइज रीडिंग अलग होती है, उसमें डीप इनसाइट्स आपको प्रोवाइड की जाती है. दिस इज ओनली अबाउट यू. सो उसमें हम आपको बता देंगे कि जो आप स्टेप लेने का सोच रहे हो वो सही है, कि कितना फ़ायदा आपको उससे होगा, कैसे रहेगा आपके लिए वो जर्नी. सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने आप अपने टाइम अलोन को एंजॉय करना शुरू कर दिया है. आप अपने हार्ड वर्क के लिए जो करते हो, यू लाइक वर्क हार्ड पार्टी हार्ड. अब चाहे जरूरी नहीं कि पार्टी ही करो, आपने अगर बहुत मेहनत करी है, टफ डे एट वर्क, तो यू विल डू समथिंग टू चिल, टू अनवाइंड. चाहे आप घर पे ही थोड़े 15-20 मिनट के लिए कुछ अच्छा लाइवली हैप्पी म्यूजिक सुन लिया, डांस कर लिया, कुछ अच्छा बना लिया, कुछ अच्छा पेस्ट्री या केक, कुछ हल्का सा कुछ ऑर्डर कर लिया, कुछ मॉकटेल बना लिया. यू लाइक टू ट्रीट एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल द हार्ड वर्क. ओके, सो दिस पर्सन इज सेइंग दिस अबाउट यू. ओके, एंड ये जो पर्सन है इनको ये भी फील हो रहा है कि आपको हराना, डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है. फॉर सम ऑफ यू, ओके, कोशिश करी हो सकती है इन्होंने. सेवन ऑफ ऑटम, टू मेनी पेंटिकल्स कार्ड्स आई एम गेटिंग. ओके, सो नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक द टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और मनी. ओके, सो दिस पर्सन, देयर आर सम पीपल जो आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, पेशेंट पर्सन हो आप, जिसने कि लाइफ में जो अचीव करने के आपके गोल्स हैं ना, उसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, पेशेंस रख रहे हो आप, आपको विश्वास है कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको रिजल्ट देगी. आपको जो हो, ये भी हो सकता है, कुछ लोग ये भी बोलते हो कि आपको जितनी मेहनत करते हो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता, आपको आपके गिफ्ट्स को लोग अब्यूज़ करते हैं अपने एडवांटेज के लिए, लोग यूज़ करते हैं आपके गिफ्ट्स को, कोई स्किल टैलेंट को अपने एडवांटेज के लिए. लाइक यू आर बीइंग अंडर पेड फॉर एन अमेजिंग टैलेंट और हॉबी और प्रोफेशन. ओके, एंड दीज पीपल से कि आप बहुत मेहनत करते हो, आपको रेस्ट करना आता ही नहीं है, वेकेशन पे रेस्ट नहीं करते हो, हो सकता है आप
आप बिल्कुल काम ही काम करते रहते, वर्कहॉलिक हो, ओके. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दो अलग अलग मैसेजेस आ जाए कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप प्लान नहीं करते, इम्प्रॉम्प्टू, लाइक बिल्कुल इम्पल्सिव स्टेप्स. अपने आपका नेक्स्ट एक्शन जो होता है वो इम्पल्सिव होता है, वेल कैलकुलेटेड नहीं होता. ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरी वन, तो जिसके लिए जो मैसेज आ रहा हो आप देख लेना. कुछ लोगों के लिए आप बहुत प्लान वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हो, आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना बहुत कैलकुलेटेड होता है. और आप हो सकते हैं थोड़ा हर्मिट मोड में चले जाते हो, कुछ टाइम के लिए टाइम आउट लेते हो, स्पेस लेते हो, उसके बाद यू लाइक वो टाइम को आप यूटिलाइज करते हो टू प्लान योर नेक्स्ट स्टेप, कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ओके. और आप जो है ना अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हो, ओके. लोगों को लगता है कि अपना टाइम आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, मनी को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तो मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है कि आप मनी मैनेजमेंट में इतने अच्छे नहीं हो. कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लगता हो, बट लोगों को लगता है कि आप हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपिंग कर रहे हो तो आप में इतनी स्मार्ट शॉपिंग करते हो. फॉर एग्जाम्पल सेम चीज़ अच्छी क्वालिटी में आपको दूसरी प्लेटफॉर्म पे, दूसरी ऐप पे मिल रही है, तो यू वुड गो फॉर दैट, ताकि आप एक दो चीज़ें, दो तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा ले सको. सो इस तरह से थोड़ी स्मार्ट शॉपिंग आप करते हो, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट आप करते हो. टच वुड, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू. फाइव ऑफ विंटर, ओके. हो सकता है आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या थोड़ा झगड़ा, इरिटेटेड हो रहे हो आजकल, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है आजकल, चिड़चिड़े हो रहे हो. सो समबडी इज़ गॉसिपिंग अबाउट दिस, somebody saying कि आप थोड़े dominating हो या possessive हो किसी चीज़ को लेके, किसी person को लेके, या somebody also feels कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो dishonest हैं, आपकी जो associations हैं वो लोग honest नहीं हैं, ठीक है. आप उनके साथ अभी भी निभा रहे हो. They talk about the people you are with, could be friends, family, colleagues, relative, even a partner for some of you I'm getting. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास के पार्टनर के साथ आपने वॉक भी किया है, किसी ने वॉक भी किया, आप दोनों में से, तो उसके बारे में बहुत गॉसिप होती है. आई ऑल्सो पिकिंग अप ऑन योर लव लाइफ, ओके. आपको कोई आइडिया कोई चुराता है, आपको वर्क रिलेटेड, आपके घर में आपकी कोई चीज़ चोरी हुई, आपका आइडिया, आपका सामान या कुछ भी, आपका ऑनर, तो उसके बारे में भी बात कोई कर रहा है. और ये हो सकता है कि इस पर्सन को लाइक देर इवन कॉलिंग आउट ऑन दैट पर्सन हुज कॉपीड योर आइडिया, सो समथिंग दे फील यू आर डूइंग इट बेटर than them, okay. So apart from this, I'm getting realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort, okay. So कुछ लोग ये भी कहते हैं, देखो इनमें से मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई कैजुअल डेटिंग, कोई कैजुअल पर्सन है यहाँ पे जो दे वॉन्टेड समथिंग कैजुअल विद यू. इस पर्सन को कुछ कैजुअल चाहिए था आपके साथ, उस टाइम उनको लगा कि यू आर नॉट सी दिस कुड बी ट्रिगरिंग, सो आई डोंट शुगर कोट, ओके. सो इस पर्सन को कुछ कैजुअल चाहिए, बड़े कैजुअल पर्सन है, इनमें दम नहीं है कुछ रियल इन्वेस्टमेंट करने का रिश्तों में, तो इन्होंने आपको ऐसा समझा कि यू आर नॉट वर्थ द टाइम एंड एफर्ट, ओके, कि आप में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप में वो आपको टाइम एफर्ट इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं समझते, ऐसा इस पर्सन ने बोला, ओके, आपके बारे में. और जबकि ये पर्सन खुद बहुत डिसऑनेस्ट हैं, ओके. एंड आई एम गेटिंग कि आपने फिक्र, आपने परवाह नहीं करी, हो सकता है आपको बुरा लगा हो, आपने कुछ वक्त भी दिया इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, आप स्टक रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको यू लाइक रोज राइज अवे, ओके. आपने इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दी है, या आपको कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में उसके बाद, और या आपने खुद बहुत मेहनत करी है अपने ऊपर, आप कर रहे हो मेहनत, इनर वर्क, शैडो वर्क, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका. एंड दिस पर्सन विल सी यू विद समबडी एल्स, हैप्पी विद समबडी एल्स. आई लिटरली आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ दिस पर्सन डूइंग दिस, लाइक यू नो मुंह बना रहे हैं, रो रहे हैं, या उनकी आईज वेल्डअप है, गुस्से में हैं, दे आर डूइंग दिस, ये कैसी क्या हो रहा है, मतलब व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या कर दिया, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कर रहे हैं पर्सन, ओके. सो ओके, सो आई एम गेटिंग कि दिस पर्सन कीप्स अ चेक ऑन योर सोशल मीडिया, देर वेरी टॉक्सिक पर्सन, ओके. नेक्स्ट वी हैव इज द लवर्स, वाओ, ओके. इसके अलावा एक और कार्ड है, ओके, दिस इज द लास्ट कार्ड, वी हैव लवर्स, ओके. कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि टेक व्हाट रेजोनेंस, आपको कोई रिश्ता, कोई शादी रिश्ता हर एक साथ रेजोनेट नहीं करेगा ही, कुछ रिश्ता, शादी, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप कुछ था जो टूटा था, दीज पीपल फील की मतलब आई वुड लाइक टू ड्रॉ सम कार्ड्स अबाउट दिस.
हाँ एग्जैक्टली जो मेरी इंट्यूशन बोल रही थी कार्ड में भी वही आया है. सो लवर्स कार्ड से मुझे मैसेज आ रहा है कि आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत, दिस इज़ अ हॉट टॉपिक अमंगस्ट योर फ्रेनिमीज भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, एक्स फ्रेंड्स भी हैं जो आपके बारे में बात करते हैं. पुराने फ्रेंड्स, पुराने कोई एक्स, पुराने कोई फ्रेनिमीज, आप समझते हो ना फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स के बेस में एनिमीज होते हैं. ओके सो वो लोग, यो लव लाइफ इज़ अ हॉट टॉपिक. अगर आपको कोई रिलेशनशिप या मैरिज टूटा था, गॉड फॉरबिड, तो वो लोग ये बोलते हैं कि आप नहीं निभा पाए, आपने इतनी मेहनत नहीं करी, आप कुछ आपकी गलती थी, वो लोग कुछ इस तरह से बात करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा ज़रूरी. So they feel that you are the one who wronged the other person, you are in the wrong. This person or these people feel ki aap nahi nibha paaye, aapki bahut nakhre hain, ya I'm also hearing rich spoiled brat or somebody jisko cheeze aasani se mil jati hain, ya bahut like pampered ho aap apni family mein, ya bahut nakhre wale ho. This is what they talk about. Obviously this is not true, right? But जो जैसा होता है खुद उसको सामने वाले वैसे ही दिखते हैं, राइट. सो मुझे से मैसेज आ रहा है कि आपके कोई लवर भी हो सकते हैं पास्ट में जो आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं कर रहे थे तब, और अब उनको कोई चूज़ करना था आप दोनों में से, और उन्होंने किसी और को चूज़ किया था, बट अब वो वापस आना चाहते थे. वॉन्ट टू रिटर्न एंड मेक यू अ लव ऑफर. एंड ये पर्सन को ये लग रहा है कहीं आपके पास चॉइस ना हो, आप लाइक आई एम गेटिंग कि आपके पास कोई चॉइस होगी, इस पर्सन को पता हो ना पता हो, और आप दोनों में से किसी एक को चूज करने वाले हो. एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप एक बहुत ही लविंग पर्सन हो, आप अपने लव जो पार्टनर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे से निभाते हो, आप यू नो कि ज़रूरी नहीं ना कि सब नेगेटिव बात ही करें, कुछ अच्छा भी मुझे मैसेज आ रहा है इस कार्ड की तरफ से कि लोग बोलते हैं कि आप एक बहुत ही लविंग, नर्चरिंग, गिविंग पर्सन हो, आपको पाकि आपके पार्टनर जो हैं दे आर वेरी लक्की टू हैव यू इन देयर लाइफ, और आप बहुत प्योर हार्टेड और बड़ी इजीली ट्रस्ट कर लेते हो. यू गिव यू 110%, 1000% इवन, और आप कभी ये नहीं सोचते कि आपको कितना मिल रहा है, आपके पार्टनर को भी ये पसंद है. एंड सम पीपल से कि आप इतने खूबसूरत हो कि आपकी कोई भी एज हो सकता है, कुछ लोग अपने 30s to 40s के बीच में हैं, या आपको लगता है यू टू ओल्ड और वट एवर, 28, 29 अर्ली लेट 20s में हो, 20, 30 के आसपास. तो दिस पर्सन फील्स कि कोई भी आपकी एज होगी ना, आप इतने डायनामिक, खूबसूरत पर्सनैलिटी आपकी है, चार्मिंग है, कि आपको मनचाहा पार्टनर मिल जाएगा, या आपके सूटर्स होंगे काफ़ी. एंड मेनी पीपल वॉन्ट टू विन योर ट्रस्ट, विन अ स्पॉट इन योर लाइफ. ओके एंड दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग. ओके सो कार्ड्स बता रहती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये सारे साइंस आए हैं. ठीक है, पाइल नंबर 1 में आपके साथ जो रेजोनेट हुआ, जितने मैसेजेस, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना क्या रेजोनेट हुआ, और आपको क्या लग रहा है कि कौन है ये पर्सन आपके फ्रेंड्स, फैमिली या कोलीग्स में से, एक्स में से कौन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एंड टाइप कीजिएगा कि आई मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी, या पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट क्लेम करने के लिए टाइप कीजिएगा पॉजिटिविटी को, कमेंट कीजिएगा, एंड यू विल मैनिफेस्ट पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ. ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम फंबलिंग सो मच, शायद आई एम गेटिंग कि कुछ नर्वसनेस आपके अंदर, अभी आप आजकल थोड़ा घबराहट सा फील कर रहे हो, या नर्वसनेस फील कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप. सो चलिए, आई विल सी अनदर रीडिंग पाइल 1. वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, दिस वन. ओके सो वर मैसेज आई एम गेटिंग कि फॉर सम ऑफ यू दिस पीपल, सम ऑफ यू कुड बी फ्रॉम द रेनबो ट्राइब, लाइक LGBTQ, वी रिस्पेक्ट एवरी वन एंड मच लव टू यू. ओके, वी लव एवरी वन. ओके सो आप बहुत ही ब्राइट पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, आप मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत ही आई वुड से कि कलरफुल पर्सनैलिटी है, बहुत जिंदा दिल हो. ओके एंड आपने रिसेंटली कोई डार्क मोमेंट देखा था, अगर लाइक और उसके बाद आपकी लाइफ में रेनबोज आए हैं. दिस इज़ ऑल्सो द मैसेज आई एम गेटिंग कि इवन फॉर, दिस इज रीडिंग इज़ फॉर एवरी वन, इवन इफ़ यू नॉट फ्रॉम द रेनबो ट्राइब, आपने कुछ डार्क मोमेंट देखा था लाइफ में, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आई हैं. ओके, आने वाली हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है. ओके सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड आया है आपके लिए. सो
वी हैव स्कॉर्पियो लियो वर्गो एंड एक्वेरियस ओके फॉर सम ऑफ यू टॉरस कैप्रिकॉर्न भी आ रहा है ओके सो दिस पर्सन डेफिनेटली फील्स कि उनका आपसे मिलना डेस्टिनी में लिखा था और आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में एंड दिस पर्सन फील्स कि आप भाग्य में डेस्टिनी में बहुत विश्वास रखते हो. आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो. आप को विश्वास है कि वो एक पंजाबी में ना सॉन्ग है कि तेरी किस्मत का लिखा कोई तेरे से छीन नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट. ओके, जो तेरी किस्मत में लिखा है वो तुझे मिल जाएगा. नहीं तो जो हम कहते हैं कि हम किसी संतों को मानते हैं, जिनको गुरुजी को मानते हैं, डिवाइन पावर को मानते हैं, वो हमारी भक्ति भी कई बार वो चीज़ें हमारी किस्मत में लिख देती है जो हम चाहते हैं पर हमें नॉर्मल मिलने वाली नहीं होती, पर वो किस्मत में लिख देते हैं उनके आशीर्वाद की वजह से. ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज योर डेस्टिनी. अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं. दिस पर्सन कुड बी योर डेस्टिनी. इनके साथ आपकी शादी होगी या शादी आपको अपनी डेस्टिनी समझते हैं और इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपका गुड लक चमकेगा. ओके, आपका लक चमकेगा और ये पर्सन आपको अपने लकी मैस्केट मानते हो, ऐसा भी मैसेज आ रहा है. ओके, आपके और इनके कनेक्शन में हो सकते हैं कुछ लव स्पेसिफिक हो, आपके और इनके कनेक्शन में बहुत उतार चढ़ाव आप देखे हैं, देख रहे हैं, बट डेस्टिनी आपको मिलाएगी, ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है. ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द टी ऑन यू, व्हाट्स द गॉस ऑन यू. या गाइस, ओके, सो व्हाट इज द गॉसिप अबाउट माय व्यूअर्स. ओके, सो वी हैव गॉट सम कार्ड्स एंड वी वुड आस्क टू ब्रिंग दिस कार्ड एज वेल. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल यू द रीडिंग. आर यू एक्साइटेड? ओके, सो वी हैव द थ्री ऑफ कॉइन्स. नाइस, गुड स्टार्ट. थ्री ऑफ कॉइन्स, या then we have the knight of coins. What is with you guys, man? Okay, then we have the eight of wands. Ye card jump out, this card wanted to come. Okay, so there is some communication, important communication you're waiting for, that is coming your way. Okay, kuch communication ka wait kar rahe ho and that is coming your way in 8 days to 8 weeks. Okay, so nine of swords, you should check out pile number 1, 2. By the way, there are some messages for you. Read card usme bhi aaya tha. Six of swords. Okay, next we have the King of Cups. This is your person, I'm getting for some of you. Okay, just stalking you and checking you out. The Tower, see, you broke up with this person, some separation happening currently with this person. Ace of Coins, this person could be egoistic also. King of Coins, okay, King of Coins. ओके, सो आई एम गेटिंग गाइस, कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप बहुत लाइक बिजनेस आक्यूमेंट आपका अच्छा है, आप कुछ ना कुछ नई स्टार्ट, कभी भी आप स्क्रैच नहीं स्टार्ट कर सकते हो, आप में इतनी काबिलियत है. ओके, और आप अच्छे टीम प्लेयर हो, मिलजुल के रहना पसंद करते हो लोगों के साथ और लाइक यू आर वेरी मिलनसार काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत मिलनसार हो. ठीक है, आप लाइक ये भी मुझे मैसेज आ रहा है कि प्रैक्टिकल पर्सन हो और काफ़ी प्रैक्टिकल हो, लेकिन आपको इमोशन कुछ चीज़ों को लेके बड़े इमोशनल हो. और मुझे ये मैसेज आ रहा है नाइट ऑफ कॉइन्स से कि इट्स लाइक यू नो, लोगों को जीतना पड़ता है आपका विश्वास. कोई हार्ट ब्रेक आपका हुआ हो सकता है, कोई ब्रेकअप, कोई फ्रेंडशिप, कोई कुछ टूटा है पास में, दैट felt like a huge loss to you. Okay, आप उस चीज़ से अभी तक उभर नहीं पाए हो या कहीं ना कहीं कुछ घाव आपके मन में अभी भी है. एंड आई एम हियरिंग अ वाउंडेड सोल. ओके, एंड कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब यू नो, जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, गुस्सा हुआ है, कुछ सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, फ्रेंडशिप टूटी है, सो दैट पर्सन इज सेइंग दैट यू वेरी ईगोइस्टिक, आप में बहुत एटीट्यूड है, ऐसा वो बोलते हैं. रिमेंबर गाइज, जो लोग बोलते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो क्या गॉसिप कर रहे हैं. ठीक है, तो जो रेजोनेट होता है लीजिएगा, ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, वॉच इट लाइक ए मूवी, लाइक एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली. ओके, सो बट जो गाइडेंस है उसको सीरियसली लेना गाइस, क्योंकि मैं बीच बीच में लाइफ कोचिंग एडवाइस भी देती हूँ. ठीक है, सो नाइट ऑफ कॉइन्स, दिस पर्सन इज सेइंग कि कुछ लोग ये बोलते हैं आपके बारे में कि आप जो है, यू हैव अमेजिंग शेड्स ऑफ ग्रे.
okay, shades of gray, a lot of passion also. This person could have a lot of passion for you. Look at the tanned horse, like the black horse, okay, and this person says that ki aapke dil mein jagah banana bahut mushkil hai, aapne aap, you have your walls up, you guarded, okay, you are defensive or you take a lot of time to allow somebody in your life, okay, aap kisi career opportunity ka wait kar rahe ho sakte ho ya kuch bana rahe ho career opportunity, kuch career mein change ka soch rahe ho, aapne discuss kiya ho sakta hai kisi se, so that's what they're talking about. And kuch logon ke ये आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हो, क्या फोटोज डालते हो ऑनलाइन, आपकी जो रील्स वीडियोस पिक्चर्स डालते हो कहीं ट्रैवल करने की या कहीं ऐसे कुछ भी म्यूजिकल एंड ऑल डब स्मैश. तो दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट, दे फाइंड वेरी अट्रैक्टिव हॉट एंड टेम्पटिंग, ओके. एंड दिस पर्सन दे टॉक अबाउट कि आप जो आपको आपकी हो सकता है यूर नाइट पर्सन, नाइट आउल हो, यानी कि आप रात को देर तक जागते हो, आपको नींद नहीं आती है, या जस्ट यू फील मोर एक्टिव इन द इवनिंग नाइट टाइम, ओके. एंड यू कुड बी अ 3 AM फ्रेंड टू समबडी हु नीड्स यू, ओके. हो सकता है कि लोग आपको 2-3 बजे भी अच्छे दोस्त जो हैं, कोई प्रॉब्लम में हो आप इतने हेल्पफुल हो कि किसी कोई परेशान है तो यू गोइंग टू हेल्प देम आउट, ओके. एंड आई एम गेटिंग किसी पर्सन ने आपको पहले एम्बेरस करने की कोशिश करी थी विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, और अभी पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वेरी एम्बेरस बाय देयर एक्शंस ऑल्सो. ये पर्सन रोए हैं जो इन्होंने किया है उसके ऊपर, आपके आपको जो पेन दिया है उसके ऊपर भी ये पर्सन रोए हैं, दे आर फीलिंग रिग्रेट ओवर दैट. एंड बट ये पर्सन कहते हैं इनको ऐसा फील होता है कि आप ओवरकम कर चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, एंड और यू आर ओवरकमिंग डिफिकल्टीज. आप बहुत ही अडेप्टेबल इंडिविजुअल हो, ओके, आप एडजस्ट कर लेते हो हर सिचुएशन में, एडजस्ट कर लेते हो, ओके. एंड प्रॉब्ली यू लाइक टू ट्रैवल, या आपको ट्रैवल करना चाहिए, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रैवल विद यू, समबडी वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू, ओके. आप अपनी फैमिली को लेके, अपने परिजनों को लेके, जो आपके परिवार के लोग हैं उनको लेके आप थोड़े ऐसे हो सकते हो कि भाई मैंने इनको कुछ लाइक अ प्रोटेक्टर, लाइक अ शील्ड, ओके. सो इस तरह से आप हो, ठीक है. एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग यू द सोल ब्रेडविनर ऑफ द फैमिली, सबके लिए नहीं है, या अपने आपकी फैमिली में आप ज़्यादा पॉपुलर हो, आप उठ के अलग दिखते हो, आपने कुछ ऐसा सब्सटैंशियल अलग कुछ किया आपकी फैमिली में जो पहले नहीं हुआ, ओके. कुछ लोग ये भी बात करते हैं, किंग ऑफ कप्स पीपल फील कि थोड़ा यू नो somebody, I'm getting two messages, एक कार्ड देख रही थी मैं यहाँ पे. People feel कि you are, if you're a man or a woman, energy की बात हो रही है यहाँ पे, like थोड़ी manly, masculine energy है, like आप अपने emotions suppress करते हो, बताते नहीं हो, और या करने लगे हो सप्रेस अपने इमोशंस, बता नहीं रहे हो, आपके अंदर बहुत अफेक्शन, बहुत कंपैशन है, बहुत वार्म फ्रेंडली लॉयल पर्सन हो, ठीक है. और हो सकता है कि अपने पार्टनर की तरफ, आपकी तरफ कुछ पार्टनर को लेके पजेसिव हो जाते हो ज़्यादा, ये भी लोग बोलते हैं. और हो सकता है अपने पार्टनर के से रिलेटेड आपने किसी को पीछे किया हो, हटाया हो कि दिस इज़ माई पार्टनर एंड यू गॉट अ से अवे, ओके. कुछ ऐसा आपने बोला हो सकता है, समबडी ट्राइंग टू हिट ऑन योर पार्टनर एंड यू पुश देम अवे, नॉट literally, but just you tried to push them away out of their life, okay. आपने उनको दूर करने की कोशिश करी उनसे. Ace of coins, sorry guys. So I'm getting a message with the Ace of Coins कि आप बहुत abundant हो, या इतने talented हो कि you can create good wealth. आप एक substantial amount of career अपने लिए, financial stability अपने लिए create करने की काबिलियत रखते हो. People say कि कुछ अच्छा हो रहा है आपके career में ना, they feel कि उन्होंने नहीं सोचा था, या कुछ there's something about not seeing it happen, या आप नहीं सोच रहे कि ऐसा होने वाला है, you don't see it coming, but it is going to happen. They can see लोगों को आप में कुछ चेंज दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है जो थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा हटके है. एंड कई बार ऐसा होता है कि हमें
नहीं दिखता बट सामने वाले को दिखता है. सो मैं रेगुलरली शॉर्ट्स वीडियोस पोस्ट करती हूँ, यू कैन चेक देम आउट एज वेल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. ओके सो अगर देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, वो सिर्फ आपके ऊपर होती है और काफ़ी डीप इनसाइट्स, साइकिक इनसाइट्स उसमें दी जाती हैं. ओके सो एंड अनदर मैसेज आई एम गेटिंग इज दिस पर्सन फील्स कि आपके फादर या आपके पार्टनर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, या सम ऑफ देम फील कि आप मटीरियलिस्टिक हो. अगेन इट कुड बी रॉन्ग. ओके आप मनी माइंडेड हो, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो, एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स. एंड दिस पर्सन फील्स कि सम पीपल टॉक अबाउट दिस पर्सन कुड बी समबडी स्पेसिफिक. ओके कुछ लोगों को लगता है कि लाइक यू, दिस इज वेरी ट्रिगरिंग, यू कुड मैरी समबडी वेल्दी. ओके यू कुड मैरी समबडी फॉर लाइक, आप खुद इतनी अच्छी फैमिली से आते हो कि आप किसी को आपके इक्वल स्टेटस से ही शादी करोगे. यू कुड मैरी समबडी हु इज इक्वली वेल्दी, या जो बहुत वेल सेटल्ड होगा, समबडी हु इज़ वेरी फेमस, समबडी हु इज़ वेरी बेसिकली, यू कुड मैरी फॉर सुपरफिशियल रीजन, मटीरियलिस्टिक रीजन की वजह से आप शादी करोगे. मैरी समबडी हु इज़ वेल्दी, इस वजह से आप शादी करोगे. कुछ लोग किसी को ऐसा लगता है आपके बारे में, और कुछ लोग ऐसा लगता है कि यू डिजर्व टू मैरी समबडी हु इज़ योर मैच. आपको अपना मैच नहीं मिला अभी तक, और आप ऐसा मैच डिजर्व करते हो जो आपसे भी ज़्यादा अबंडेंट हो, या आपके जितना अबंडेंट हो, जो सॉलिड पर्सन हो, जो स्क्रैच से बिल्ड करना जानता हो, आई मेरी खुददार हो, एंड यू नो समबडी हु इज़ वेरी लॉयल ट्रस्टवर्दी पर्सन. आपको लॉयल लोग नहीं मिलते, आपको वफादार लोग नहीं मिलते. तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको ना वफादार इंसान मिलना चाहिए जो इसकी तरह सॉलिड हो. ठीक है, ये मैसेज भी मुझे आ रहा है. एंड कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई है, कोई रिश्ता कभी भी टूटा है ना, कोई रिलेशनशिप फ्रेंडशिप, तो हमेशा तीसरे पर्सन की वजह से टूटा है. जबकि आप तो स्ट्रांग फाउंडेशंस बनाते हो, बट कहीं ना कहीं आपको वो कार्मिक इगोइस्टिक या टॉक्सिक इगोइस्टिक लोग आपको मिल जाते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो सेल्फिश एंड नार्सिसिस होते हैं, वैसे लोग अट्रैक्ट करते हो सकता है नार्सिसिस लोग आप अट्रैक्ट करते हो. ठीक है, आई हैव रेमेडीज विच आर वेरी इफेक्टिव, पावरफुल एंड वेरी सिंपल. तो आई विल टेल यू हाउ टू कट ऑफ एन अनवांटेड पर्सन फ्रॉम योर लाइफ. ओके यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है रीडिंग के लिए. सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. सो बेसिकली पीपल फील कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो. सम पीपल टॉक अबाउट योर लुक्स कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो. सम पीपल फील सम सेंशुअलिटी टुवर्ड्स यू, बिकॉज सम पीपल फील अ वेरी सेंशुअस, वेरी लाइक people find it sexy, seductive even. okay and for some of them feel ki agar aap overthinking kam karo, tension kam lo, to you can go places, aap zyada successful banoge aur badi jaldi successful banoge. some people talk like that also. okay so this is a reading. aapko kitna resonate hua, kya aapko acha laga zarur mujhe batayega, kaun ye log hain, friend family kaun, who are you resonating with, mujhe batayega comment section mein. ki your comments encourage me to bring more videos and keep an interaction going on with you. okay so guys, just type blessings to manifest people who are your well wishers. okay so I'll see you in another video pile too. all the subscribers, subscribe karna mat bhulega, hum aapke liye itni mehnat karte hain aur dil se videos lekar aate hain. so if you subscribe, it really encourages me and motivates me to be consistent in my videos. so thank you so much, I love you all. Sayonara, stay tuned, stay blessed, and god bless you.